मिला सबको मिला। मर्डर उसने क्या पैसा वो लेके भागा, मेरे को काय को मारता हो साहब? मेरे को दो दिन का टाइम दो, मैं आपके सामने लाके खड़ा करेगा उसको। किसने किसको फोन किया था? कल्पना, कल्पना को फोन किया उसने। वो लंबी सी लड़की थी क्या थी? टाइपिस्ट टाइप। मेरे को चरस मिलेगा, चरस उससे मैं और भी अच्छा सोच सकता है। मिलेगा चरस चाहिए? कल रात अपने आर्टिस्ट को भी बुलाया था इसके पार्टनर का स्केच बनाने के लिए। नतीजा ये निकला, जानता कौन है? रणजीत एक्टर घुमा रहा है, साला बना रहा है। सर मैं उससे मिल सकता हूँ? मैं फील कर सकता आपका पेन, मैं फील कर सकता आपका पेन। जो भी हो बहुत बुरा हुआ, जय उन्हें गोली बोली मारी, मैंने बोला इंस्पेक्टर साहब को जय। एक मिनट ले सकता है क्या? एक मिनट? मेरे को लगता है जयंत को इन्होंने कमती कर दिया, पूरा पैसा खोपचे में ले लिया है। मेरे को डाउट थी लोगों को, यह ऐसा हो सकता है कि 50-50 कर लिया सेटिंग करके। मैं सच बता रहे लाइफ को, मैंने गोली नहीं मारी। ड्रेस फाड़ने का एक्स्ट्रा ठीक है? फैशन स्ट्रीट का नहीं, वार्डन रोड का है। 4,000 का है मेरा टॉप। दिन में कितना कमा लेती हो चिमली? कौन हो तुम, ये नाम कैसे जानते हो? लायक के पार्टनर का नाम क्या है? कौन लायक? तेरा बॉयफ्रेंड। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है यहाँ पे, सब मेरे बॉयफ्रेंड है। मेरा हाथ खोलो वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला, बुला पुलिस को। कौन तुम? कौन? मैं वो हूँ जिसकी बीवी और बच्चा उस दिन बैंक में मारे गए। साहब, साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैं आपको बताती हूँ, सब बताती हूँ। लायक को जानती हूँ मैं, फ्रेंड है मेरा बहुत साल से, लव भी करता है मेरे को। उसको नहीं पसंद था मैं इधर काम करूँ, कोई अपनी मर्जी से धंधा थोड़ी करता है, करना पड़ता है। 2 महीने पहले लायक आया था, बोला थी को यहाँ से लेके जाऊँगा। सब 2 दिन बाद मैंने टीवी पे देखा, सब वो फ्रॉड है, वो चोरी चकारी करते, मैं सब मर्डर नहीं कर सकता था सब। मेरे बेटे के लाइफ इंश्योरेंस के 35 लाख मिले मुझे, वो तेरे लायक के पार्टनर का नाम निकाल। Hi. Surprise. Oh my God, what a pleasant surprise. तुम हरमन से मिले? नहीं. एक मिनट. This is Raghu, हरमन.
इन्होंने मुझे कल घर ड्रॉप किया। हेलो अरमान। थैंक यू। प्लीज सिट। निशा और रॉबिन को नहीं लेके आए? दे आर नो मोर। व्हाट? एक्चुअली एक बैंक रॉबरी में 15 साल पहले उन दोनों की मौत हो गई। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। कल रात कहने का मौका नहीं मिला और अब वैसे भी इतनी स्ट्रेस में थी। आई डिडंट वांट टू थिंक ऑफ द पास्ट। ओह माय गॉड, नो, आई एम रियली सॉरी। व्हाट अ ट्रेजेडी। नहीं, ट्रेजेडी तो ये है कि 15 साल गुजर गए और अब तक कातिल पकड़ा नहीं गया। आई एम वेरी हंग्री। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? अभी लाती हूँ, यू विल लव इट। हम पहले कभी मिले? तो मेरे बीवी और बच्चे से मिले हो मेन स्ट्रीट बैंक रॉबरी। क्या कुछ भी पके जा रहे हो? Nonsense. मैं सब कुछ जानता हूँ वरना। क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। सब कुछ जानते हो तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा पुलिस के पास जाने से पहले मैं एक बार तुम्हें देख लूँ। एनीवे, क्या चाहते हो? इसे हाथ से खाना पड़ता है फॉर बेटर टेस्ट। थैंक यू। बाय द वे, आपके हस्बैंड ने मुझे कल लंच पे बुलाया घर पे। ओह दैट्स वंडरफुल। मैं चटनी भूल गई। आई बी बैक इन 2 मिनट्स। हाँ, ये कुछ नहीं जानती। प्लीज मेरी वाइफ को मत इन्वॉल्व करो। कल मिलते हैं लंच पे। हेलो अरमान। हाय, प्लीज सिट। लंच इज अ ग्रेट आइडिया। थैंक यू। आई एम सो सॉरी। आई रियली एम सॉरी। मुझे हरमन ने सब कुछ कल रात बताया। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं उस बैंक रॉबरी में था, लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चे का कत्ल मैंने नहीं किया है। आई स्वेयर, गोली लायक ने चलाई थी। मैं तो पिछली सीट पे था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि घर में गोली है। लायक भी यही कहता है। आई एम रियली सॉरी। नाइस हाउस। ईशा का ये घर बहुत पसंद आता। ईशा लव दीज थिंग्स। जहाँ भी हम लोग जाते थे ना, वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें खरीद लेती थी, बस जमा करती थी, बाहर ही नहीं निकलती थी। बोलती थी रॉबिन तोड़ देगा या पूना में बहुत डस्ट है रघु। आई शी लाइक ऑल दिस। हमसे क्या चाहिए तुम्हें? क्या दोगे तुम? पैसे? नो नो नो। ठीक है, पैसे देगा। कितने पैसे देगा? एक करोड़। 20 सेकंड है तुम्हारे पास, इसे बेटर आंसर दो वरना मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। 2.5 करोड़। लाइक का शेयर भी मेरे पास पड़ा हुआ, वो भी ले लो तुम। सब कुछ ले लो तुम, सब कुछ ले लो, घर होटल सब कुछ ले लो। मैं हरमन को जानती हूँ, वो किसी को मार नहीं सकता। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हमें माफ कर दो प्लीज। हरमन, कंचन तुमसे बहुत प्यार करती है, माफी मांगो उससे। बोलो, मैं खूनी हूं कंचन, पर फिर भी तुम मुझे बचाना चाहती हो। थैंक यू। ठीक बोलो। सिट।
कंचन मैं खूनी हूं, फिर भी तुम मुझे बचाना चाहती हो। थैंक यू। मैंने तुम्हें माफ किया हरमन, बोलो। मैंने तुम्हें माफ किया हरमन, लेकिन उसके बदले में, बोलो। लेकिन बदले में मैं रघु के साथ सोना चाहती हूं। पुलिस के पास जाए, तुम चलो पेट्रोल ऊपर है। पागल हो गई तुम, चलो। मेरा पैसा कहाँ? मेरा फ्रेंड हरमन और उसकी बीवी को मार दिया मैंने। मार दिया? कैसे मारा? हथौड़े से, उसके घर में, बेडरूम में जाके। बोलू क्या कैसे कैसे किया मैंने, सुनना चाहता है तू? पहले मैंने कमरे में प्लास्टिक बिछाई, फिर जब उसकी बीवी नहा के बाहर आई ना, तो मैंने उसको सिर पे मारा, वो बेहोश हो गई। फिर जब हरमन पैसे लेके आया, मैंने उसको मारा। सच में मार दिया तुमने? हैं? तेरा दोस्त जिसका नाम तू 15 साल से किसी को नहीं बोल रहा था ना, वो तेरे हिस्से के पैसे मुझे देने के लिए तैयार हो गया था, और उसकी बीवी मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई थी, उसको बचाने के लिए। तू सच कह रहा है क्या? लाशें खड़कवासला सेक्टर 3 में दफना दी मैंने, और वो पैसा कभी नहीं मिलेगा तुझे। तो तू अब मुझे भी मारेगा? तू तो मर चुका है, अभी कुछ और मैंने सड़ना है तुझे।
तेरी बीवी को हरमन ने नहीं, मैंने मारा था। कंफ्यूज हो गया था मैं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। दो मिनट के लिए तेरी बच्चा गिर गया था, बीवी चिल्ला रही थी, अचानक से मेरे अंदर से गन निकली और मैंने मार दी। मेरा गर्म दिमाग हो गया था। तेरा तो ठंडा दिमाग था, दो लोगों को मार दिया हथौड़े से, और वो भी निर्दोष। क्या फर्क था? पागल हो गया तू? इलाज करा ले अपना। कहाँ जा रहे हो बर्फरदार? क्लीनिंग चल रही है। मेरी याद कैसे आई? चाय पिलाओगे? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम हरमन के घर भी गए थे? फिंगरप्रिंट्स, परफेक्ट मैच। लंच के लिए बुलाया था। तुम्हें लंच की बड़ी दावतें मिलती हैं भाई, हाँ? Where's the money? What money? Don't play that game with me. लायक को मिलना था वो पैसा, बैंक रॉबरी का हिस्सा। ऑन के सिग्नल के सीसी कैमरा में साफ दिखते हो तुम, हरमन की गाड़ी में। तुमने हरमन और उसकी वाइफ का मर्डर किया। कोर्ट में क्या प्रूफ करेंगे कि मैं, जिसकी पत्नी और बच्चे का मर्डर हुआ, पहले मैंने लायक को माफी दी, उसके बाद उसके पार्टनर का मर्डर कर दिया पैसों के लिए? चीनी कितनी लेंगे आप? फांसी से तो शायद तुम बच जाओगे, पर जेल टर्म गारंटीड। वो पैसा तो मुझे दे दो, मैं एविडेंस मिटा दूंगा, वरना रिटायरमेंट फंड चाहिए। तुम जो चाहे समझो, मंडे को रिटायर हो रहा हूं मैं, सोमवार 11 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास।